पानी दा रंग और साडी गली जैसे सॉन्ग्स को गाने के बाद अब विक्की डोनर एक्टर में इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि वो अपना सिंगल ट्रैक लॉन्च कर रहे हैं। इसीलिए आयुष ने सिंगल ट्रैक मिट्टी दी खुशबू को लॉन्च किया। इस ट्रैक की वीडियो में नजर आएंगे डेढ़ इश्किया एक्ट्रेस हुमा कुरैशी, जो इस ट्रैक को लेकर काफी एक्साइटेड है। हम आपको ये भी बता दें कि इस रोमांटिक ट्रैक के लिरिक्स किसी फेमस लिरिसिस्ट ने नहीं बल्कि आयुष्मान के फ्रेंड गुरप्रीत ने लिखे हैं। ऐसे कोई इतने बड़े वर्ड भी नहीं, चक्कर ये होता है कि पंजाबी में जब आप लिखते हो तो वर्ड्स बड़े लगते हैं क्योंकि मतलब समझने में थोड़ा टाइम लगता है। बट आई थिंक वही जो आपने बात की, जो यादें हैं घर की, आए गुरप्रीत को उनके होम टाउन चंडीगढ़ की बहुत याद आती है, इसीलिए उनके इस ट्रैक के लिरिक्स लिखने में कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। इट्स बीन 4 ईयर्स मैं मुंबई में हूँ, पर पंजाब की यादें, चंडीगढ़ की यादें, दे आर सो एम्बेडेड कि मुझे मुंबई में भी वो जगहें ढूंढनी पड़ती हैं जहाँ की कहीं जाके मुझे चंडीगढ़ की वो फील आ जाए, वो चंडीगढ़ की सड़क दिख जाए मुझे। मैं अक्सर सैटरडे संडे को टाउन जाता हूँ बिकॉज मुझे टाउन जो है वो चंडीगढ़ जैसा लगता है सैटरडे संडे को। सो आई थिंक वो याद ही इतनी ज़्यादा गहरी है कि लिखने में मज़ा आता है, तो एंड दैट इज़ हाउ इट हैपेंड। गुरप्रीत आयुष्मान से काफ़ी इंस्पायर्ड हैं, कुछ ऐसा ही कहना है इनका। देयर इज़ वन मोर कनेक्ट, मैं आयुष्मान भाई का और रोचक भाई का और गौतम गोविंद शर्मा जिन्होंने गाना लिखा है साथ में, मैं इन सबका जूनियर हूँ। तो कुछ ये भी है कि ये जितनी भी यादें, जितने भी लिरिक्स हैं, वो सब इनसे इंस्पिरेशन भी है बिकॉज मैं इनको देख देख कर बड़ा हुआ हूँ, इनको देख कर जिया हूँ कॉलेज में, और गौतम तो मेरे साथ स्कूल में भी थे। अब ज़्यादा तो, हो रहा है नहीं, ऐसा है, ऐसा बिल्कुल है। इनफैक्ट साडी गली आजा भी बिल्कुल ऐसा ही था, आप लोगों से इंस्पिरेशन मिलके वो लिखा था। चंडीगढ़ के बॉयज स्कूल से पढ़े हैं आयुष और उनके फ्रेंड, तो सडनली बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री में आना उनके लिए किसी सपने से कम नहीं है। ये मेरे जूनियर कॉलेज से, हम तो एक साथ पढ़े बड़े हैं, सेंट जॉन्स बॉयज स्कूल चंडीगढ़ से, और एक बॉयज स्कूल ऑफ कोर्स, यू आर इन ऑल बॉयज स्कूल एंड सडनली वी आर इन दिस इंडस्ट्री वेयर व्हिच इज फुल ऑफ वुमेन। सो बॉयज स्कूल में हम थे आयुष। बॉयज स्कूल में पढ़ने की वजह से काफी कम फीमेल अटेंशन मिली है आयुष को, शायद इसीलिए वो ऐसे लिरिक्स लिखते हैं। लेकिन अभी कुछ चेंज नहीं हुआ, कुछ ऐसा ही कहना है आयुष का। इट वाज लैक ऑफ फीमेल अटेंशन, I think it certain lack of female attention that we used to write all romantic heartbroken songs. Nothing's changed much. Bibi Chandigarh rehti hai meri, abhi bhi lack of female attention ho jati hai fir us wajah se. But anyway, Gurpreet, thank you so much. He's a 25-year-old writer, prodigy from Chandigarh, my junior from college. Dekh ke bada hua hai, matlab kya 4 saal ka farak hoga hamare beech mein, dekh inko dekh ke bada hua matlab. But anyway, but apart from that, I would like dekhte to bada na hota. So, आयुष एक और ट्रैक लेकर आ गए हैं अपने फैंस के लिए, तो देखते हैं हुमा और आयुष की ये जोड़ी और ये सॉन्ग लोगों को कितना पसंद आता है। एंटरटेनमेंट डेस्क से प्रीति सिंह के लिए जयदीप पित्रा, डे एंड नाइट न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।